किधर जा रहे हो आप? ओ बेटा, कैसे हो तुम? क्या हाथ में ये क्या है? क्या छुपा है? दिखाइए। कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं है। वो मतलब सामान लाने जा रही थी। आपको आपको इतना भी पता नहीं है? देश के प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के कहा है कि घर के बाहर मत जाइए, घर में रहिए। अरे बेटा, कोरोना हो रहा है सारी दुनिया को, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सामान ला के घर में रखना है पहले से। लाने क्या जा रहे थे आप? 10 किलो आलू, 10 किलो प्याज, 10 किलो चावल, आटा, दाल, ये सब ला के रखना है घर में, नहीं तो ये वायरस के लिए मिलेगा नहीं ना बाद में, तब क्या होगा। क्या और इतने सामान ला के आप क्या करेंगे? घर में स्टॉक करके रख देंगे, और किसी जरूरतमंद इंसान को अगर नहीं मिला वो खाना तो वो क्या करेगा? सबके बारे में सोचिए, खुद के बारे में मत सोचिए। ये एक देश के लिए बड़ी जरूर इमरजेंसी सिचुएशन है, तो समझिए इसको। और ये सिचुएशन को आप मजाक में मत लीजिए। तुम ना जीरे के साथ जब पानी मिला के पीने से ना कोरोना का कुछ भी नहीं, कोरोना कुछ नहीं कर सकते। क्या क्या खाने से ठीक हो जाएगा? ताहे हाँ, हमारे फकरुद्दीन साहब ने बोला है, कल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। मैंने जीरा को पानी के साथ? किसने कहा आपसे ये? इटली ने इसे मजाक में लिया था, देखा आज कितने इंसान मरे हैं वहाँ पे। अभी थोड़ा सा हुआ है इसलिए, मतलब थोड़ा किसी को हुआ है या मेज को नहीं हुआ है ये मत समझिए। सबको हो सकता है ये वायरस, आपके अंदर भी हो सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर वायरस है, इतने धीरे से एक्शन करता है। तुम ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, अभी इसलिए हमको जता रहे हो ना। क्या मॉम, अरे रो क्यों रहे हैं आप? इसलिए स्टे होम सेव लाइफ, मोदी जी ने ऐसे ही नहीं बोला हाथ जोड़ के घर से मत निकलिए। क्या जरूरत है बोलने के लिए? इटली, रशिया, इटली, यूएसए सब जूझ रहे इस वायरस से। पालन करो मम्मी, कोई ये मजाक नहीं चल रहा है। अभी तो चाइनीज वाले उल्टा सीधे खाते ही इसलिए उन लोगों को हुआ है, हम लोगों का कुछ नहीं होगा। क्या बेटा जंग की बात कर रहे हो तुम? अगर कोई गोली मार रहा हो तो बाहर, तो आप तो घर में ही रहते, बाहर तो नहीं जाते। और ये ना देखने वाला एक ऐसे खतरनाक वायरस है जो किसी भी टेररिस्ट से भी खतरनाक है, ये आपको पता नहीं चलेगा, आपके साथ सारे फैमिली को ले जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं दुकान में, कितने इन्फेक्शन लोग आए होंगे उस दुकान पे। सारे फेक न्यूज़ है, व्हाट्सएप पे सारे फेक न्यूज़ शेयर हो रहे, और ये कोई इलाज नहीं है। इतने साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सके करने के लिए, तो साइंटिस्ट क्यों बैठा है वहाँ पे? यूएसए ने नहीं सका अभी, उसको देखो 2000 क्रॉस कर चुके इंसान को इस वायरस से इन्फेक्शन हो चुके। ज़रूरत के सारे सामान सब मिलेगा, किसी को कुछ कमी नहीं होगा, बस आप पैनिक मत हो जाइए। क्या मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ आपको, देख रहा हूँ आप क्या करे, यहाँ पे झोला लेके बैठे आप। मत जाइए मैम, समझ जाइए, ऐसे ही सरकार नहीं बोला है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है सारे देश के लिए। दुकान जाने पर तुले, मत जाइए आप, बैठ जाइए घर में।